नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सोमवार को विधानसभा को आश्वासन दिया कि इंडियन नेशनल लोकदल की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। हम आपको बता दें कि दिल्ली से सटे हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में रविवार को अज्ञात हमलावरों ने नफे सिंह राठी और पार्टी के एक अन्य कार्यकर्ता की हत्या कर दी थी। लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्तों पहले हुए इस हमले को लेकर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्य में कानून व्यवस्था खराब होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी ने इस घटना को लेकर खट्टर सरकार पर जिस तरह जोरदार निशाना साधा है, उससे पूरी सरकार बैकफुट पर है। इसलिए मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विधानसभा में कहा, अगर सदन सिर्फ सीबीआई जांच से संतुष्ट है तो मैं सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि हम मामला सीबीआई को सौंप देंगे। इससे पहले सदन की कार्रवाई की शुरुआत में विपक्षी दल कांग्रेस ने नफे सिंह राठी की हत्या का मुद्दा उठाया और घटना की जांच या तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग की। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष ने कानून व्यवस्था पर स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। हम आपको यह बता दें कि पुलिस ने इस मामले में हरियाणा के एक पूर्व विधायक नरेश कौशिक और 11 अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। जिन लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी में हैं उनमें पूर्व विधायक नरेश कौशिक के अलावा करमबीर राठी, रमेश राठी, सतीश राठी, गौरव राठी, राहुल और कमल के नाम शामिल हैं। इनके अलावा 5 अज्ञात लोगों का भी प्राथमिकी में उल्लेख किया गया है। हत्या समेत भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इस बीच नफे सिंह राठी के परिजनों ने हत्या के दोषियों की गिरफ्तारी होने तक उनके शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने कहा है कि वारदात में शामिल एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि पुलिस को आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। उधर इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार पर आरोप लगाया कि नफे सिंह राठी की जान को खतरा होने के बावजूद सरकार उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने में विफल रही। उन्होंने घटना की सीबीआई जांच की भी मांग की। कल ही इस बात की डिमांड करी थी कि सारे मामले की जांच सीबीआई से और किसी सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई जांच करे। हमें हमारी पुलिस के ऊपर पूरा विश्वास है, लेकिन सरकार पे कोई भरोसा नहीं था, इसलिए हमने कहा था कि इसकी जांच सीबीआई करे। और आज उसी को लेकर के एक अर्जेंट मोशन विधानसभा में दिया गया, उसके ऊपर चर्चा हुई। जितने सदस्य बोलने वाले थे उन सब ने प्रदेश में सुरक्षा को लेकर के सरकार पर सवाल खड़े किए। और मैंने एक बार एक कॉलिंग लगाई थी कि किन किन लोगों को सुरक्षा आपने प्रदान कर रखी, वो भी मैंने आज कांग्रेस के विधायकों को जो उसका आंसर आया था वो भिजवाया था कि आप इसको भी जरूर विधानसभा में रखें कि भी आपने कैसे कैसे लोगों को सुरक्षा प्रदान की हुई है, जबकि चौधरी नफे सिंह राठी को भी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए थी। अब जब उनके सामने और कोई रास्ता बचा नहीं, आखिर मजबूर उनको ये सीबीआई को सौंपना पड़ा। अभी मेरी एसपी से बात हुई है, एसपी का फोन आया था, एसपी ने मुझे बताया कि हमने 2 लोगों को गिरफ्तार कर रखा और बाकी जिन लोगों के खिलाफ FIR कराई गई है हम जल्दी उनको भी गिरफ्तार करेंगे। अभी मैंने एसपी को कहा भी आप आओ और आकर के लोगों के बीच में इस बात का आश्वासन दो, तब जाकर के कोई हम निर्णय लेंगे। मान के चलो सरकार की बेकायदगी की वजह से ये सारा आज इस तरह का इशू बना है। अगर समय रहते सुरक्षा दे दी जाती तो फिर सरकारी गनमैन जब किसी के साथ होता है तो बदमाश की हिम्मत नहीं पड़ती जल्दी से कि वो उसके ऊपर अटैक करते। लेकिन मैं आज भी ये बात कहता हूं कि हत्या कराई गई है, ये पॉलिटिकल मर्डर है। इसमें जिन लोगों के नाम लिए गए परिवार की तरफ से वो सारे के सारे लोग बीजेपी के पदाधिकारी, बीजेपी से सीधे सीधे जुड़े हुए। अनिल विज ने भी विधानसभा में पहले यही बात कही कि जिनके खिलाफ FIR लॉन्च कराई है वो बीजेपी के लोग हैं, ये पॉलिटिकल मामला है।
क्या भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र में सरकार है तो उनके पार्टी के पदाधिकारियों को, उनकी पार्टी के एमएलए और एमपीज को इस बात की छूट है कि वो कहीं बदमाश हायर करके किसी को भी मौत के घाट उतार दें? इसका मतलब तो यह भी जिसका राज होगा फिर वो अपनी मर्जी से लोगों को जीने देगा। इसलिए जिन लोगों के नाम दिए गए हैं उनको गिरफ्तार करो, उनसे पूछताछ करो और सारी चीज जो है पब्लिश करो ताकि आइंदा से ऐसी हिम्मत कोई और आदमी ना जुटा सके। जो दो लोग गिरफ्तार किए गए सर वो कौन है? दो लोग जो गिरफ्तार किए गए क्या वो दुबई नहीं? मुझे नहीं पता, एसपी ने कहा कि हमने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। ये बात एसपी बता सकता है कि उसने किन दो लोगों को गिरफ्तार किया। हैरानी की बात है, इन्होंने जिनके खिलाफ परिवार के लोगों ने नाम लिए उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। क्या खतरा है उनको, किससे खतरा है कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई? जिनका मार दिया उनकी कोई सुरक्षा नहीं। इसी से जुड़ा सवाल, क्या पुलिस इन्फ्लुएंस में नहीं होगी जब एक के पर्टिकुलर पार्टी के लोग? इसीलिए मैंने आपसे ये बात कही थी कि हमें अपनी पुलिस पे भरोसा है लेकिन सरकार पे भरोसा नहीं, और इस सरकार ने पुलिस को कमजोर करके रखा, दबाव बना करके रखा। आपने देखा नहीं अनेक इस तरह के इश्यूज आपके सामने आए होंगे जहां पुलिस हाथ खड़े कर देती है कि हमारी मजबूरी है, ऊपर से हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है। नशे के कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ मैंने विधानसभा में नाम तक लिए लेकिन पुलिस इसीलिए कार्रवाई नहीं कर सकती उनके खिलाफ कि वो सीधा सीधा सरकार के नजदीकी लोग हैं। पुलिस ने दो लोगों को अरेस्ट कर लिया तो शायद पुलिस के पास पुख्ता इनपुट भी होंगे कि इसके पीछे कौन है। ये मान के चलो कि पुलिस ने जब चौधरी नफे सिंह राठी को यहीं के एक पुलिस के अधिकारी ने 6 महीने पहले चौधरी नफे सिंह राठी को आकर के ये बात बताई कि आपके ऊपर कभी भी हमला हो सकता है, और जब उनके सामने ये बात रखी गई वो तुरंत अपनी गाड़ी लेकर के मेरे पास गुड़गांव मेरे आवास पे पहुंचे। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे आज ही आकर के किसी ने ये इत्तला दी है। मैंने कहा आप एसपी के पास जाओ, मैं एसपी को फोन करता हूं, आप लिखित में एसपी को दो, मैं एसपी को कहूंगा कि आपको सुरक्षा प्रदान। उन्होंने एसपी से जाकर के मिले, उन्होंने लिखित रूप में दिया। एसपी ने मुझे आश्वस्त किया कि जी मैं सुरक्षा प्रदान करूंगा, लेकिन एसपी को ऊपर से प्रेशर आया कि नहीं कोई सुरक्षा नहीं, अदरवाइज एसपी उस दिन सुरक्षा दे देता तो आज ये वाक्या नहीं होता, इस तरह की घटना नहीं होती। सरकार के किसी मंत्री या मुख्यमंत्री से भी आपकी बात हुई संदर्भ में उनका फोन आया? मुख्यमंत्री का मेरे पास रात को फोन आया था, मैंने उनको रात को खुल के ये बात बताई थी कि आप सीबीआई से इसकी जांच कराओ और जिस किसी का भी परिवार के लोग नाम दें उसके खिलाफ कार्रवाई। आपने एक बार सुरक्षा हटाई थी, उसका रीजन क्या? अब ये बात थी जिन्होंने हटाई थी वो बता सकते हैं, लेकिन मुझे फिर जब मेरी सुरक्षा हटाई गई तो हाईकोर्ट जाना पड़ा और हाईकोर्ट ने फिर मुझे दोबारा सुरक्षा प्रदान की। एक और इश्यू इसके साथ है जिनके नाम लिए इन्होंने कि ये लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, ये लोग इसमें साजिशकर्ता हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 21 जनवरी को नफे सिंह राठी के खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज कराया और वो 307 का फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया। उसकी एसपी ने जब जांच करी मुजफ्फरनगर की तो एसएचओ ने एसपी के सामने ये बात स्वीकार करी उस जांच में कि मेरे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर था, आपसे पहले जो एसएसपी था उसने मुझे प्रेशराइज किया और ये झूठे 2 मुकदमे मेरे से दर्ज कराए गए। और जो दर्ज कराने वाले थे इन्होंने जिनके नाम लिखाए हैं वही लोग थे, तो फिर मान के चलो अगर वो वहां जाकर के झूठे मुकदमे दर्ज करा सकते तो फिर इसके साजिशकर्ता भी हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि ऐसे लोगों को पहले पकड़ा जाए और उसकी जांच की जाए। सर ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो सकती है? तो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग
उसमें कोई दो राय थोड़ी है। ये तो भाड़े के लोग हैं, पैसे देकर के लाए होंगे। मर्डर जो है आम साधारण आदमी मर्डर करता है तो उसकी पिंडियां भी कांपती है, हिम्मत नहीं पड़ती जल्दी से। ये तो वही लोग करते हैं जो प्रोफेशनल है। इस तरह की फायरिंग करना, इतने फायर राउंड के करना, ये बिना प्रोफेशनल आदमी के बिना हो नहीं सकता, संभव नहीं है। अभी एसपी आएगा, क्या कहता है, क्या आश्वासन देता है, उसके बाद परिवार के लोगों से बात करेंगे, जो फैसला होगा। हम भी चाहते हैं कि ये चीज डिले ना हो, हम नहीं चाहते कि इसमें और ज्यादा समय लगे। हमारी जो मेन मांग थी, जो बात हमने रखी थी, वो सरकार को मजबूर होकर के मानी। वहीं हरियाणा पुलिस का कहना है कि अभी इस मामले की जांच से जुड़ी ज्यादा जानकारी नहीं दी जा सकती, लेकिन आरोपी जल्द ही गिरफ्त में होंगे। इसमें देखिए पूछताछ चल रही है कई लोगों से, अभी कोई अरेस्ट नहीं किया हमने, तो जो भी सस्पिशियस है, जिन पर डाउट है, उनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। हम सभी को सुरक्षा देंगे, जिसको भी सुरक्षा बनती है तो उनको सुरक्षा दी जाएगी। आपके सामने आई तो आपसे सुरक्षा के लिए डिमांड की गई थी, लवी सिंह राठी आपसे मिले थे और उसको सुरक्षा मिलने नहीं। उस विषय पर मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा, वो जैसे भी आगे, अभी तो मैं इसी के वर्कआउट में लगा हूं कि ये वर्कआउट हो और उस पर भी बाद में देखा जाएगा कि क्या त्रुटि हुई है, किसकी। अभी इस मामले की सीबीआई जांच होगी, सीबीआई हाँ अभी ये जो है घोषणा हुई है तो आगे जो भी प्रोसेस है उसमें फिर ये सीबीआई हो जाएगा। दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है सर, काफी हमारे पास देखिए इन्फॉर्मेशन है और उस पर हम वर्क भी कर रहे हैं। जो भी सस्पिशियस है, जिन पर डाउट है, तो उसमें हमारी पूछताछ चल रही है और मल्टीपल टीम्स हैं जो इस पर कार्य कर रही हैं, और जहां से भी कोई भी शक की सुई जिस पर है तो हम उस पर कार्य कर रहे हैं। देखिए उसमें मैंने वही बोला कि जो भी लीगल प्रोसेस होता है उसको फॉलो किया जाए और प्रॉपर ताकि एविडेंस हो और ताकि जो भी हम जिसको अरेस्ट करें उसको सजा भी हो इसमें, तो वही मैंने उनसे आग्रह किया है कि प्रॉपर इसमें प्रोसेस का वो है फॉलो करें जो भी होता है। तो बस ये मैंने उनसे बात की। सर सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी, कुछ पता चला कौन लोग हैं, किसी गैंग के ताल्लुक का? देखिए अभी इस विषय पर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, देखिए सारा पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मैं इस अपराध की जांच को सीबीआई से कराने का निर्णय किया है, तो ये केस जल्द ही सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बाकी अब तक की जांच के विषय में जैसे एसपी साहब ने आपको अभी बताया, कुछ लीड्स हैं जिसके ऊपर काम चल रहा है, चार पांच टीमें अलग अलग स्थानों पर इसकी जांच में गई हुई हैं, सीसीटीवी की फुटेज भी प्राप्त हुई है, जहां जहां से भी, चाहे वो टॉल से है या जहां से भी है। इस वक्त इससे अधिक कुछ भी डिस्क्लोज करना जांच को प्रभावित कर सकता है, इसलिए फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो भी शक के दायरे में आ रहे हैं उनसे उचित तरीके से पूछताछ की जा रही है और जिस पर भी कोई साक्ष्य उपस्थित होगा, जो भी कोई साक्ष्य मिलेगा, उसके तुरंत बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त इसको कहा जाना उचित नहीं होगा, कुछ ही समय में रिजल्ट आपके सामने। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।